और अगर मैं आज नहीं जीता, जिस गाड़ी से आया हूँ ना, तो मैं कदम ही नहीं रखूंगा। सब सच्ची बोल रहा हूँ, मत रखे जिस गाड़ी में तू आया ना उसमें कदम मत रखे। पहले एकदम मस्त डांस करो, फिर बोलो कि मैं स्टेज क्रैक कर दिया। जब आप दो ही बातें हो तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बता दो, हो गए क्या हो गए? और जो दोस्त है 5-10 दोस्त उनको बता दो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के बारे में। बन गए फॉलोअर सब्सक्राइबर, पर मेरे दोस्त इतने भाग रहे हैं, मैं डांस को जानते नहीं। दो बार टीवी पे आ चुका हूँ पर इनको समझ नहीं आता। एक घंटा भी मेरे जैसे प्रैक्टिस कर लेना, रो रो के पागल ना हो जाए तो तुम्हें नाम बदल देना। तो क्या नाम रखू तेरा, क्यों प्रैक्टिस तो मैं ही कराता हूँ ना। अरे तो हाँ तो कर ही ना सकते ऐसे जैसे मैं करता हूँ। मेरे देर से भी अच्छे है ज्यादा भी। अरे मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मानते ही नहीं। और अगर मैं तेरे दोस्तों को क्लास कराने लग जाऊँ तो करने लग जाएंगे वो। अच्छा It was at this moment that he knew he fucked up. वो एक घंटे में एक स्टेप सीखेंगे। कोई बात नहीं, कुछ थोड़े दिन लगाएंगे उसके बाद तो वो सही हो जाएंगे ना। अच्छा तो मैं कहते वो टीवी पे भी आ सकता है। हां जैसे तेरा तो अकाउंट ही नहीं आता उस पे। एक मिनट दिखाना अपना फोन। इस भाई की डेडिकेशन देखो, ये अपना एग्जाम दे रहा है। ये देखो अभी इसको ऑडिशन है, अभी सेलेक्ट हुआ है भाई। अरे तुमने नाम बता। नमन नाम है ये भाई। टीवी पे आया इसको देखता नमन को। नमन हमारा प्रो निकला, गली गैंग बॉय। तो मुझे बहुत खुशी है, जितने बंदे सामने खड़े हैं राउंड 3 के लिए सेलेक्ट हुए। हमारा रशीद नाच रहा है और बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस हो गया अभी आगे का सोच। हाँ। यहाँ भी होगा, इधर भी हो सकता है। प्लीज ये नहीं हो, ये नहीं हो। बस हवा निकल गई। प्लीज नहीं यार, अभी खुशी मना था, अभी दुख ना मनाऊं। डोंट डू, क्या हुआ? जस्ट पॉजिटिव सोच। मैं जीतूंगा मैं। जो है यो गाइस, जो सर अभी हम थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी इसका थर्ड राउंड होगा। तो सीन कुछ ऐसा है इस बार का, कोविड के चक्कर में आधे बंदों को अंदर आने ही नहीं दिया और हम लोग अंदर आ चुके हैं। हमारा ऊपर सिलेक्शन हो गया है, वेट करते थर्ड राउंड के लिए। तो इस बार इतनी भीड़ आई नहीं, प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं इस बार कोविड के चक्कर में, नहीं तो इतना होता नहीं है। ये स्कूल है, सारी क्लासों में ऑडिशन चलते हैं। ऊपर फ्लोर पे सब प्रो के ऑडिशंस होते हैं, नीचे छोटे बच्चों के। ये ना वॉशरूम यार, हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग चल रही है। हे रशीद, यो बॉय है? वैसे चेकिंग के लिए। 20 मिनट्स लेटर ऑडिशन हो गया कैंसिल, पुलिस वालों ने रेड मार दी। चलिए भाई आप लोग चलिए सब बात हाथ पकड़ के चलते थे। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे पुलिस खाई रखी है। हाँ देखिए आपको कैसा लगता है यहाँ पे? एक राउंड तो जीत गया। हाँ अच्छा करा, पुलिस
रोस्ट हो चुका है यहाँ पे हम सबका, सब सन्नाटा हो गया। हाँ जी, तो अंदर क्या हो रहा है? खाली हो गया अंदर, नहीं हो रहे अब, नहीं हो रहे जहाँ तक मुझे समझ आता। बंद कर दिए, कैंसिल ही कर दिया, कैंसिल ही हो गया। रिशित कैसा लग रहा है? सोचा था पता नहीं कहीं और ही आ रहे हैं। मुंबई कैसे जाएगा अब तू? लगता है ये शायद से कल या परसों होगा, पता नहीं भाई। लगता है कि जो सिलेक्ट हुए हैं शायद से, मतलब जो राउंड नहीं हुआ, जो जो पहले राउंड में सिलेक्ट हुए हैं वो जाएंगे। मैं किधर रुक जा, पूछने थे पहले। खाली करा के भेजा वो सेकंड राउंड से आ रहा, सेकंड राउंड से थर्ड, सॉरी थर्ड से भेज दिया। तो ऐसा हो गया कि अब हो गया ऑडिशन कैंसिल। मैं आटा के पापा बोल रहा हूँ यार, एक बंदा मिला ऐसे बना रहा है, खुद तो ऑडिशन में सिलेक्ट हो नहीं पाया, माइक ऊपर रख के ऐसे वीडियो बना रहा है, और यहाँ पे जो ब्लॉगर बन चुके हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मुंबई जाने का सोचा था, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ आज। कैंसिल हो गया ऑडिशन, तुम्हें पता? हाँ बैठ रिशित, हाँ हो गया। लेकिन मैं एक राउंड जीत चुका हूँ। अरे भाई साहब बड़ा तगड़ा सीन हो गया, लेकिन पुलिस वाले आए थ्री स्टार। चलो खाली करो, खाली करो। पहले इन्होंने ना पहले क्या करा, अपने स्टाफ को निकाला। पहले तो बात हुई ऐसी कि जब आप लोगों ने छोले कुलचे भेजे हमारे यहाँ पे आए थे, तो हम उम्र गए कुछ पुलिस वाले और इनका स्टाफ, स्कूल का स्टाफ बात बात कर रहा था, तो कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे कि आपकी ये आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। फिर मैं ऊपर आ गया, फिर हम छोले कुलचे खाने लग गए, तो जितने जो हमारे ऑडिशन के बाहर वो लड़की बैठी थी ना, वो लगा के हमारे दूसरे हॉल वाली गले, तो उसने क्या करा, अपने जितने भी रूम में जो सब बैठे हैं उन सबको बुलाया और एक एक करके सब निकले पहले, मतलब डीआईडी की टीम के लोग। हाँ डीआईडी की टीम जितने भी लोग थे वो सब पहले चुपचाप, नीचे वाले तो पहले ही चले गए थे, मैं बोल रहा था नीचे हाँ, खाली हो गया हाँ। वो तो तभी जा चुके थे सारे के सारे, वो जो जजेस थे लंबे बाल वाला था इसका, जिसने ऑडिशन लिया था, वो भी वो सब तो चले गए। उसके बाद जब ऊपर वाले भी जैसे ही गए, वो पुलिस वाला आया, खाली करो खाली करो सब खाली करो सबको। आप लोग किसी से मिल के नहीं आए, बस आ गए, कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं है, किससे मिले, सब अपनी जान बचा के भाग रहे तो किससे मिले? तो ये कह रहा है एक बच्ची तो सिलेक्ट हो गई, क्या कह रहा है? मैं भी सिलेक्ट हो गया पहले राउंड में, सेकंड लेवल का जो पहला राउंड था ना, उसका चार डाले हैं, ऑडिशन ही कैंसिल हो गए, तो शायद से अगले महीने होंगे। अब देखो तो कॉल आ जाएगा, इधर इधर घूम रहे सारे, ये डीआईडी के मेंबर्स हैं। पूछ क्या हो मैम, होना क्या है फाइनली? मैं भी देख, मैं अरे रिकॉर्डिंग तो करनी है, अरे व्लॉग तो सर के लिए तो करूं, करना तो पड़ेगा ना। नहीं मना रहे बस, तो हमें इस बारे में नहीं पता, और आप ना ऑर्गेनाइजर से बात करें, लेकिन ऑर्गेनाइजर तो अंदर है। आपके पास जिस लड़की का कॉल आ रहा है उससे बात करो, पूछता पूछो कि अभी अंदर वो थ्री स्टार पुलिस वाला वहाँ पे सबको कह रहा बाहर जाओ बाहर जाओ, और मैं ना ऐसे करके ना अपने कैमरे ऑन करके ऐसे करके ऐसे वीडियो बना रहा ऐसे, तो इतनी एक तो हॉल है इधर है, कह रहा अच्छा यहाँ भी वीडियो बना रहे हो, ओ भाई जो मेरे पीछे बंदे चलते मेरे को देखे मानो चुप तो रहे, भयंकर मेरे को माल खिलवाएगा। ओ थ्री स्टार पर तो ऐसे देख रहा मेरे को, मेरे हाथ देख रहा, मैंने ऐसे फोन पकड़ लिया कि मैं नहीं बना रहा ऐसे बोल रहा, देख देख के तो बोला कर। अरे अभी भी ये वीडियो बना रहा था, आप उससे बात करने गए, वो लड़की टेढ़ी टेढ़ी देख रहे कि ये जानबूझ करके वो कर रहा है, वीडियो बना रहा है पब्लिक को करने के लिए। अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहीं पे। 6 hours later. So guys, अभी शाम के बज चुके हैं 5, थकान से खुल गए हैं घोड़े, और सीन ऐसा हुआ
वहाँ पे कोविड के चक्कर में कुछ पेरेंट्स ने हंगामा करा, जिसके कारण ऑडिशन को रद्द करना पड़ा। फिर किसी दूसरे स्कूल में हमें टाइम दिया 4 बजे पहुँचाना, हम लोग पहुँचे। फिर अभी वापस से सेकेंड राउंड होगा, उसके वापस से टेक्निकल राउंड होगा, उसके वापस हम ऑडिशन दे रहे हैं, वापस से सब कुछ शुरू से शुरू कर रहे हैं। सो बस यही है, आज का तो सीन यही हो गया हमारे साथ, प्रैंक हो गया हमारे साथ, पुलिस वाले ने प्रैंक कर दी। खैर उनकी भी कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ना भी सिलेक्शन हुआ और ना मेरा डांस। और सर अभी अंदर है, सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो और अभी 1/4 की सीरीज चल रही है, तो अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, तो इसलिए व्लॉग भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब अगला व्लॉग यानी इसका पार्ट 2 आएगा या तो मुंबई में या फिर घर पे। तो तब तक के लिए गुड बाय।